आज तो मजा आ गया तुम्हारे चाचा के घर खाना खा के। हाँ चलो एक कप गर्मा गर्म चाय बना दो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। और भाई साहब आपका पड़ोसी हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले शिफ्ट हुआ हूँ। आपको तो पता ही है ये लंबी लंबी बिल्डिंगें की बातें, कब कहाँ कौन आपके आसपास रहता पता ही नहीं चलता। हाँ जी हाँ जी। वैसे आपका शुभ नाम? श्याम मिश्रा। अच्छा जी, मेरा नाम विनोद माथुर। आज क्या हो गया तुम्हें? हमेशा मैं तुम्हें कहती हूँ कि बाहर से आने के बाद हाथ पैर धो लिया करो, लेकिन तुम कभी धोते नहीं हो। और अचानक सूरज कौन सी दिशा से निकला आज? यार तुम बीवियों का सही है ना, मतलब आदमी काम करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत, तुम्हारी टिप्सी कंटिन्यू चलती है। वेरी फनी। वैसे उसका नाम विनोद माथुर था यार। माथुर? माथुर कौन सी जात होते होंगे? क्या मतलब? मतलब जैसे मैं श्याम मिश्रा हूँ, तुम पूजा मिश्रा हो, तो हम लोग ब्राह्मण है पंडित, तो ये माथुर किस जात के होंगे यार? उसी से पूछ लेते। बहुत अच्छे, पागल है ऐसे मैं उससे पूछूं। हाँ जी मिस्टर विनोद माथुर, आप किस जात के हो, कैसा लगेगा? अरे उसके जाने के बाद तुम मुझसे पूछ ही रहे हो, तो उसी से सामने से पूछ लेते। बहुत अच्छे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा सुनो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आके टमाटर काट देना। हाँ आ रहा हूँ। सुनो जरा गेट पर देखना कौन है। हाँ देख रहा हूँ कौन है। भाई साहब, भाई साहब वो क्या हुआ ना कि जैसे ही मैंने चाय के लिए पानी चढ़ाया है, देखा तो घर में चाय पत्ती नहीं थी, थोड़ी सी चाय पत्ती मिल जाएगी प्लीज। कौन था? कौन था नहीं, कौन है? कौन? अपना पड़ोसी, चाय पत्ती मांगने आया है यार। चाय पत्ती देखो डब्बे में रखी है, दे दो उन्हें। अरे वाह, इस डिब्बे में रख दी। हाँ। अच्छा सुनो, अब इसका मांगने का सिलसिला चालू हो गया है, कभी चाय पत्ती मांगेगा कभी हल्दी, जो भी बर्तन जो भी डिब्बी करो ना मिक्स नहीं होनी चाहिए, समझ गई? अरे समझ गई? हाँ ठीक है ठीक है, ले भाई चाय पत्ती। भाई साहब थोड़ी सी बर्फ मिलेगी क्या, ठंडे पानी की बोतल मिलेगी, हल्दी मिलेगी थोड़ी सी? मैं 4 दिन के लिए ऑफिस ट्रिप पे जा रहा हूँ, आपके यहाँ लाइट आ रही है क्या? क्या आप मेरा घर देख लेंगे? भाई साहब चले क्या, थोड़ा थोड़ा लगाने। हाँ तो रही है, मेरे यहाँ पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। हेलो श्याम जी। हाँ जी। ये आपका दरवाजा खुला हुआ था, घर में चूहे वूहे घुस जाते हैं, सोचा था बता दूं। हाँ वो मैंने खुला छोड़ा है, ठंडी हवा आती रहती है ना, थोड़ा सफोकेशन कम होती है। अच्छा तो आपने जानबूझ के खुला छोड़ा है, मुझको लगा आपने गलती से खुला छोड़ दिया। हाँ अच्छा सोचा, अच्छा सोचा। अच्छा गेट बंद कर दीजिएगा जाते समय। हाँ जी क्यों नहीं, जरूर। कौन था? अरे कौन ही होगा यार, पड़ोसी था, साला पिछवाड़े में घुसा पड़ा है यार। एक बार में समझ नहीं आती, चेप होता रहता है बिना बात का, कभी हल्दी दे दो, धनिया दे दो, आपका दरवाजा खुला है, आपके घर का ये कराए वो कराए, साले को समझ नहीं आती एक बार में नीची जात का होके हमारे घर में घुसता है। अरे इतना तो आदमी के अंदर खुद समझ होनी चाहिए, जात देखनी चाहिए ना। श्याम तुम कैसी बातें कर रहे हो, आजकल के समय में कौन जात पात मानता है? ऐसा है ना पूजा, जो नहीं मानते वो ना माने, और जो जात मानते हैं ना उनके लिए जात सबसे ऊपर होती है, और मैं जात को मानता हूँ। हम ब्राह्मण हैं और वो चमार, हमारे घर में ऐसे घुसेगा बर्दाश्त नहीं होगा मुझे यार। अब की बार आया ना मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा साले को, बेशरम कहीं का। आजकल वो पड़ोस वाले भाई साहब नहीं दिखते। तुम्हें बड़ा याद आ रही है पड़ोस वाले भाई साहब की, अब वो कभी आएंगे भी नहीं, तुम्हें पता है लिफ्ट में मिले थे 2 दिन पहले, पिन ड्रॉप साइलेंट, किसी भी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो क्या क्या हो गया? अरे वो मेरा दोस्त नहीं है राहुल, उसका एक्सीडेंट हो गया यार, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं नहीं मैं देखता हूँ, जरूरत पड़ती तो मैं बताता हूँ। ठीक है आप जाइए। अरे क्या हो गया, आप क्यों अचानक क्यों आ गए? अरे यार मैं अपना पर्स भूल गया था, पैसे भी नहीं थे मेरे पास, वही लेने आया हूँ यार। अरे तो आप मुझे फोन कर देते, मैं ले आती। फोन कहाँ से करता, फोन डाउन हो गया था यार मेरा, चार्जर कहाँ है, वहाँ क्या कर रहा है यार, मैं ना आता हूँ तुम्हारे पास। श्याम जी। भाई साहब आज नहीं, आज आपकी फालतू बात सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत इमरजेंसी है। एक बार बात सुन लीजिए, क्या है ना कि आपकी वाइफ और मेरी वाइफ इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स हैं, तो मेरी वाइफ ने भाभी जी की पोस्ट देखी, तो उसमें पता लगा कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, और मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है,
भाई साहब, जात पात बाद में देख लेते हैं, अभी किसी की जान बचा लें।